Assalamualaikum dear student. Hope you all are fine and safe at home. Welcome to class 5. Today I am explaining you chapter number 2 of class 5. This is the book. Now open chapter number 2. Page number 4. Analog and digital computer. Computer can be in analog or digital form. डेटा कैन बी इन एनालॉग और डिजिटल फॉर्म. डेटा हमारे पास दो फॉर्म में होता है, या तो एनालॉग में या डिजिटल में. एनालॉग फॉर्म मेजर कंटिन्यूस वैल्यूज, डिजिटल फॉर्म मेजर स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज. अगर हम कोई भी चीज है उसको स्टेप बाय स्टेप मेजर करते हैं, दैट इज डिजिटल फॉर्म. और अगर कंटिन्यू हमें उसकी वैल्यू पता चले, दैट इज एनालॉग फॉर्म. रिस्टवॉचेस कैन बी एनालॉग और डिजिटल. आपने रिस्टवॉच देखी होंगी, घड़ियां देखी होंगी, अगर इस फॉर्म में होती है, सुइयों की फॉर्म में, दैट इज एनालॉग फॉर्म. लेकिन अगर डिजिट्स में आ रही होती है तो दैट इज डिजिटल फॉर्म. एन एनालॉग वॉच शोज टाइम यूजिंग हैंड दैट स्वीप राउंड द क्लॉक. आपने देखा होगा कि इस क्लॉक में जो निडल है वो राउंड ले रही होती है. एंड द टाइम चेंज इज कंटिन्यूअसली, और कंटिन्यूअसली टाइम चेंज हो रहा होता है. वाइल इन डिजिटल वॉच द टाइम इज शोन इन डिजिट्स. लेकिन अगर आप डिजिटल वॉच देखेंगे तो टाइम डिजिट फॉर्म में होता है, दैट जंप फ्रॉम वन डिजिट टू अनदर. और ये एक डिजिट से दूसरे डिजिट में जंप करता है. फॉर एग्जाम्पल द डिस्प्ले मे शो लाइक दिस एट वन मोमेंट. आपने देखा होगा डिजिटल में इस फॉर्म में डिस्प्ले होता है टाइम, एंड देन डैश वन सेकेंड लेटर. और अगर एक मिनट गुजर जाता है तो वो जंप कर जाता है टाइम. विद नो अदर वैल्यू इन बिटवीन, इसके दरमियान में कोई दूसरी वैल्यू नहीं आती है. इट मीन्स दैट द चेंज ऑफ टाइम इन डिजिटल वॉच इज नॉट कंटिन्यूअस. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कंटिन्यू टाइम चेंज नहीं हो रहा, बल्कि जंपिंग हो रही है टाइम की. एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. इन दोनों में डिफरेंस क्यों किया गया है, क्यों कैटेगराइज किया गया है? क्योंकि डेटा को एक्सेप्ट करना और उसकी प्रोसेसिंग करने का दोनों में तरीका बिल्कुल डिफरेंट है. एनालॉग कंप्यूटर. इन एनालॉग कंप्यूटर वी कैन मेजर और प्रोसेस डेटा द इन द सेम वे एज स्केल मेजर्स योर वेट. आपने देखा होगा कि एनालॉग कंप्यूटर में जो मेजरिंग है और प्रोसेसिंग है डेटा की, बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह आप अपना वेट मेजर करते हैं स्केल के जरिए. और थर्मोमीटर मेजर योर बॉडी टेम्परेचर. आपने थर्मोमीटर यूज करा है, बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं. अगेन द राइज ऑफ मर्करी. जो मर्करी, उसके अंदर एक पारा दिया हुआ होता है जो ऊपर आता है टेम्परेचर में. आपने देखा होगा जब आप थर्मोमीटर देखते हैं तो उसका लेवल ऊपर आ रहा था, उसमें एक मर्करी फिल हुआ होता है जिसके जरिए हमें बॉडी टेम्परेचर मालूम होता है. एनालॉग कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री. ये कंप्यूटर ज्यादातर ऑयल और गैस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वेयर मेजरिंग एंड प्रोसेसिंग इज इम्पॉर्टेंट. क्योंकि वहां पर मेजर करना और प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. द आउटपुट फ्रॉम एन एनालॉग कंप्यूटर इज इन द फॉर्म ऑफ डाइज एंड चार्ट्स. जो आउटपुट होता है इसका, वो या डाई फॉर्म में होता है या चार्ट फॉर्म में होता है. आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कैन मेजर फिजिकल क्वांटिटीज. ये फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करता है, लाइक स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा. नाउ द सेकंड इज डिजिटल कंप्यूटर. दे आर हाई स्पीड. इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है. प्रोग्राम एबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कैन परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ये बहुत ज्यादा स्पीड से वर्क करता है, प्रोग्रामेबल होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म कर सकता है, कंपेयर वैल्यूज एंड स्टोर द रिजल्ट. और कोई भी वैल्यू को एक दूसरे से कंपेयर कर सकता है और इसको स्टोर कर सकता है, इसके रिजल्ट को. डिजिटल कंप्यूटर रिकॉग्नाइजेस डेटा बाय काउंटिंग डिस्क्रीट और डिस्टिंक्ट सिग्नल. ये कोई भी डेटा को आप जो भी देते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से, एक्यूरेसी के साथ और बिल्कुल करेक्शन के साथ इसके सिग्नल्स देता है, रिप्रेजेंटिंग आइदर हाई और लो स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इलेक्ट्रिसिटी की जो स्टेट है वो हाई है या लो है, इसको इजीली रिप्रेजेंट करता है. नंबर एंड स्पेशल सिंबल्स आर रिड्यूस टू रिप्रेजेंट बाय वन एंड जीरो. इसमें दो ऑन और ऑफ के लिए दो नंबर्स यूज किए जाते हैं, बाइनरी फॉर्म यूज की जाती है, दैट इज वन एंड जीरो. डिजिटल कंप्यूटर कैन हैंडल अल्फान्यूमेरिक डेटा विद प्रेसिजन एंड स्पीड. डिजिटल कंप्यूटर कोई भी डेटा आप देते हैं अल्फान्यूमेरिक, यानी कि नंबर्स या अल्फाबेट फॉर्म में, उसकी एक्यूरेसी और स्पीड के साथ रिजल्ट देता है. इट इज द मोस्ट सुटेबल बिजनेस एप्लीकेशन. ये बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहता है. ऑल कंप्यूटर इन आवर डेली यूज
आर डिजिटल कंप्यूटर. आजकल जो हम कोई सा भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप भी ले सकते हैं, तो दीज ऑल आर डिजिटल. हाइब्रिड कंप्यूटर, सिंपली वी कैन से इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, बिकॉज इट टेक्स डेटा, एक्सेप्ट डेटा इन एनालॉग फॉर्म एंड गिव आंसर इन डिजिटल फॉर्म. Although computers are digital and analog, but it should be recognized that third type of computer has been marketed, which is known as hybrid computer. Analog or digital computer के बारे में हमने मालूम किया है, पढ़ लिया है इस chapter में, लेकिन third type का जो computer है, जो market में new है, that is hybrid. It combines the analog and digital capabilities in the same computer. ये एक computer में analog और digital दोनों की capabilities को combine कर दिया गया है. I already told you that it is the combination of analog and digital computer. This type is the most significant where digital processing of data is collected in analog form. Hybrid computers are programmable devices in which user can set values by pressing buttons on it. इसके पर बटन होते हैं जिनको प्रेस करके इनको इनपुट दिया जाता है, और इसका जो रिजल्ट होता है, आउटपुट होता है, वो डिजिटल फॉर्म में लिया जाता है. आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी, पेट्रोल फिलिंग मशीन. आपने पेट्रोल भरवाया होगा गाड़ी वगैरह में, आपने देखा होगा बटन प्रेस करते हैं वो. जब वो बटन प्रेस करते हैं और जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो पेट्रोल का होता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, तो दैट इज एनालॉग फॉर्म. लेकिन जब आपने देखा उस पर आंसर आ रहा होता है कि कितने रुपीज आए और कितने रुपीज में जो है कितने लीटर पेट्रोल, कितने यूनिट्स हुए, यूनिट्स आपने देखे होंगे उस पर लिखे हुए होते हैं, दैट इज डिजिटल फॉर्म. यानी कि आपने जब उसको डेटा दिया, आपने जब प्रेसिंग करी, तो वो एनालॉग फॉर्म कहलाएगी, और जब आपने रिजल्ट लिया तो वो डिजिटल फॉर्म में आया. थैंक यू.